हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। आज हम आलू मेथी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मेथी। मेथी के पत्तों को हमने अच्छे से साफ कर लिया और उसके बाद हमने उसे बारीक चॉप कर लिया है और बनाने से आधा घंटा पहले हमने उसे अच्छे से धोकर रख दिया है इस तरह से, और स्ट्रेनर में डालकर हम उसे रख देंगे ताकि उसके अंदर का पानी जो है वो सारा निकल जाए। 400 ग्राम हमने आलू लिए और उन्हें इस तरह टुकड़ों में काट करके रख दिया हमने। हमने इन्हें 5 मिनट पहले काटा, इसलिए हमने इन्हें पानी में भिगो कर रख दिया ताकि आलू जो है वो काले ना हो। 2 बड़े चम्मच तेल, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला हींग 1/4 छोटा चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर भी हम 1/4 छोटा चम्मच लेंगे। क्योंकि हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं इसलिए हम लाल मिर्ची थोड़ी कम डालेंगे। तो आइए आलू मेथी बनाना शुरू करें। तो आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। हमने सरसों का तेल लिया। अब जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जीरा ब्राउन हो जाए हम उसमें आलू डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी जो है वो जल्दी पक जाती है, इसलिए हम आलू को पहले हाफ कुक करेंगे और उसके बाद हम उसमें मेथी डालेंगे। अब हम इसमें आधा नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज नहीं कर रहे तो आप इसमें 1-2 चम्मच इस टाइम पानी डाल दीजिए ताकि आलू जो है वो पकते टाइम पैन से ना चिपके, और बीच बीच में आप आलू को चलाते रहिए। अब आलू को ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये अच्छे से मसाले में कोट हो चुके हैं और हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर और बचा हुआ नमक डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे से पक जाए। हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो सब्जी है वो बेस से चिपक रही है तो उस केस में इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिए। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रखते हैं। अब इसे ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम सब्जी को चेक करते हैं। ये देखिए आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे चपाती, नान या परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमारी आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें, और मेरी रेसिपी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।